सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। पढ़ाई हो गई है? रिवीजन सारे सब्जेक्ट मेरे सारे यूनिट्स रिवीजन हो गया उसका। काफी ज्यादा गैप हो गया अभी। आप लोग पता है कि एग्जाम कब है आप लोगों का मेन एग्जाम? जनवरी में। यस सर। आवाज आ रही मेरी? यस सर। आज सर आ रही। आज का टॉपिक क्या है आपको? तो डेरिवेशन वाला बाकी था। कॉलम का हाँ, आप वही करने वाले थे। ट्यूटोरियल क्लास में चलेगा वो। आज हम लोग यूनिट नंबर 5 ही स्टार्ट कर रहे हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, चैप्टर 1 इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। हम लोग ऑलरेडी बीम को डील कर चुके हैं। हम लोग बीम डील कर चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं हम लोग बीम। बीम में बेंडिंग मोमेंट निकालना हम लोगों ने सीख लिया। बेंडिंग मोमेंट निकालना मतलब बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन पाना सीख लिया है। इक्वेशन पाना, ठीक है। तो उसको फिर से रिवाइज करेंगे आप लोग। मतलब मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा उसको। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकालना मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग प्रैक्टिस करोगे कल नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकालना आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन से डिफ्लेक्शन आएंगे। अलग अलग पॉइंट पे डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है देखते हैं। अभी दिख रही है आपको? यूनिट नंबर 5 चैप्टर 1 डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, द लेक्चर नंबर 43 इंट्रोडक्शन टू बीम डिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज द एम ऑफ दिस चैप्टर? द एम ऑफ this chapter is to derive the expression for maximum deflection. Maximum deflection. अभी हम लोग देखेंगे deflection क्या है। अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा deflection क्या है। दो चीज होती है, deflection and deformation, ठीक है। deflection दो चीज होती है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। दो concept है, deflection and deformation, ठीक है। deflection सिर्फ मॉलिक्यूल्स या एटम्स के ट्रांसलेशन से होता है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए दो एटम्स हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इनका पोजीशन मैं यहां से यहां कर दूं, बट दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, तो यहां से यहां तक चले गए, किसी एक मेंबर का दो एटम्स थे वो यहां से यहां तक आ गए हैं, बट दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुई है। दोनों के बीच का जो दूरी है वो चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों में डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। इस मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्या हुआ है? डिफ्लेक्शन हुआ है। तो इसको देखेंगे हम लोग। तो दो चीज होती है, डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन की वजह से मटेरियल का फ्रैक्चर होता है, ठीक है, और डिफ्लेक्शन की वजह से बेंडिंग होती है। डिफ्लेक्शन आपको पता चलेगा, डिफ्लेक्शन कहां से आ रही है? बेंडिंग की वजह से आ रही है, ठीक है। तो दो तरह के क्राइटेरिया हम लोगों ने ऑलरेडी डील कर चुके हैं। दो तरह का क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया था स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और दूसरा था रिजिडिटी क्राइटेरिया। रिजिडिटी क्राइटेरिया, तो जो डिफ्लेक्शन की वजह से फेलियर होता है किसी भी मशीन मेंबर का, किसी भी कंपोनेंट का, तो उसको डील किया जाता है रिजिडिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। डिफ्लेक्शन जैसे ट्विस्ट कर रहे हैं वो भी एक डिफ्लेक्शन था, वो एंगुलर डिफ्लेक्शन था, वो भी पोलर एंगुलर डिफ्लेक्शन था, ठीक है।
और एक लीनियर डिफ्लेक्शन था, लीनियर डिफ्लेक्शन ही बोलें या फिर डिफॉर्मेशन बोलें, लीनियर मैं एक बार को स्ट्रेच कर रहा हूं तो उसके अंदर लीनियर डिफ्लेक्शन हो रहा है, लीनियर डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या ये, नहीं लीनियर डिफॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा उसकी वजह से फ्रैक्चर होगा, ठीक है। सो और डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, वहां से फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे, तो हमको वो पॉइंट निकालना होगा कि कहाँ पे डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा। एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन डिजाइन ऑफ बीम्स एंड डिजाइन ऑफ शाफ्ट बेस्ड ऑन रिजिडिटी क्राइटेरिया एंड ऑल्सो इन डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। आपको पता होगा नेचुरल फ्रिक्वेंसी से कोई एक वाइब्रेशन हो रहा है तो उसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है, उस फ्रिक्वेंसी अगर फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते जाए तो वही मटेरियल का फेलियर हो जाता है। फटीग स्ट्रेंथ हमने सुना होगा, फटीग स्ट्रेंथ मटेरियल साइंस में, तो फटीग स्ट्रेंथ में क्या है, रिपीटेटिव साइकिल होती है लोडिंग की, तो वो भी एक वाइब्रेशन का ही पार्ट है, तो उस केस में हमको नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है कि किस नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे इसका फेलियर हो जाएगा। तो उसका जो ये डिफ्लेक्शन का जो पार्ट है, क्यों हम लोग डिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, उसका यूज कहाँ पे होगा, वाइब्रेशन में भी। वाइब्रेशन आपका एक चैप्टर सब्जेक्ट है इन सिक्स्थ सेमेस्टर, तो वाइब्रेशन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो थर्ड पॉइंट इज डिफ्लेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ बीम इज नोन एज बेंडिंग। आपको याद है बीम का जो एक्सिस होता है ये एक्सिस, अगर ये एक्सिस बेंड हो जाता है या फिर डिफ्लेक्ट हो रहा है, एक्सिस यहां से यहां पहुंच गया है, ठीक है, सो इट इज नोन एज बेंडिंग। वेयर यहां पे गलत लिखा हुआ, डेविएशन है ये, डेविएशन, डेविएशन ऑफ एक्सिस ऑफ कॉलम इज नोन एज बकलिंग। बीम का डिफ्लेक्शन अगर होता है, बीम का अगर डिफ्लेक्शन होता है इट इज नोन एज बेंडिंग, बट डेविएशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का डेविएट हो जाना, ये कॉलम है इसकी एक्सिस ऐसे थी, ये अपने पोजीशन से डेविएट हो गई है, बदल गई है अपना पोजीशन, सो इट इज नोन एज बकलिंग, बकलिंग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज द बीम अंडरगोज टू डेविएशन अंडर बेंडिंग। दो तरह के होते हैं नाम, एक ही फिनोमिना होने से दोनों फिनोमिना अकर हो जाते हैं, जैसे अगर मैं बेंडिंग अप्लाई कर रहा हूँ किसी भी बीम पे तो दोनों चीज एक साथ दिखाई देंगे, लीनियर और एंगुलर डेविएशन। अभी देखेंगे हम लोग क्या है ये, लीनियर और एंगुलर डेविएशन एक साथ होंगे। द लीनियर डेविएशन ऑफ एक्सिस ऑफ अ बीम इज नोन एज डिफ्लेक्शन। लीनियर, लीनियर मतलब लीनियर मेजरमेंट करेंगे हम लोग मीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में, अगर डिफ्लेक्शन को मेजर कर रहे हैं लीनियरली तो इट इज नोन एज डिफ्लेक्शन। एंड एंगुलर डेविएशन ऑफ एक्सिस ऑफ बीम इज नोन एज स्लोप। जब कभी आएगा तो किस में आएगा, एंगल में आएगा, डिग्री में आएगा, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं हम। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, हाँ कोई बोल रहा है क्या? नहीं सर, एंगुलर डेविएशन रेडियन में आएगा। हाँ रेडियन में, अगर थीटा लिख रहे हैं तो रेडियन में आएगा। आई बात समझ में? तो पहला केस लेते हैं कैंटिलीवर बीम का, बट आज हम लोग बस देख रहे हैं इंट्रोडक्शन कि बाकी क्या क्या टर्म्स हैं इसमें। तो अगर इसमें मैं यहां पे एंड पे लोड अप्लाई करूं W, ठीक है, ये बेंड होगा या नहीं? हाँ सर। तो ये बेंड होगा, तो आपको क्या लगता है, पॉइंट ए और एक पॉइंट है बी, बी पर क्या होता है बेंडिंग मोमेंट? जीरो। बी पर तो सर फ्री एंड है ना, जीरो, जीरो होगा, फ्री एंड है, जीरो होगा बेंडिंग मोमेंट हमेशा। शियर फोर्स भी जीरो होगा? हाँ सर, शियर फोर्स भी जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए पर बेंडिंग दिखाई देगी या नहीं, या स्ट्रेट जाएगा? ये फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट पे
ये बीम यहाँ पे आ जाएगा। यस यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें दो चीज देखना है। पहला पॉइंट था द लीनियर डेविएशन ऑफ एक्सिस। लीनियर डेविएशन कौन सा है? मैक्सिमम लीनियर डेविएशन कहाँ है? पॉइंट बी पे या फिर ए पे? पॉइंट बी या पॉइंट ए? बी सर। मैं सिर्फ एक्सिस दिखाता हूँ यहाँ पे। पॉइंट बी पे सबसे ज्यादा लीनियर डिफ्लेक्शन है, डेविएशन, सॉरी डेविएशन। यस एक्सिस सिर्फ दिखा रहा हूं मैं। ये पॉइंट यहां पे पहुंच गया बी डैश। और यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट पॉइंट बी पे, टेंजेंट समझते हैं आप, स्पर्शी रेखा। यस सर। स्लोप निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा कहाँ पे? बी पे। जैसे टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब इसका स्लोप कितना है वो एंगल मेजर कर लेंगे। वो एंगल कहाँ से मेजर करेंगे? देखिए, जब बेंड नहीं हुआ था तो एक्सिस कैसा था? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल था। हॉरिजॉन्टल तो मैं एंगल जीरो है। अगर मैं एक और पॉइंट लू यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करता हूं मैं, बीच में कहीं स्लोप ड्रॉ करते हैं। देखिए ये स्लोप ड्रॉ करेंगे हम, इसका एंगल स्टार्टिंग में क्या है? कम है, ठीक है। ये है थीटा और ये है थीटा बढ़ता हुआ, थीटा इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो मैं बोलूं कि किस पॉइंट पे देख रहे हैं हम लोग? पॉइंट कौन सा है? ये है पॉइंट, ना कि ये पॉइंट है जहां से कट करके जा रहा है। अब बोला जाएगा स्लोप कहां पर है? ये नहीं कि यहां पर है स्लोप। स्लोप कहां पर है? पॉइंट बी के लिए। टेंजेंट कहां पे ड्रॉ की हमने? पॉइंट बी पे। अगर पॉइंट बी पे, क्योंकि स्लोप यहां से भी नहीं मेजर कर सकते, ये भी थीटा है। अगर थीटा वन थीटा टू रखो तो ये थीटा टू है ना, दो पैरेलल लाइंस हैं। yes, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। yes, तो ये sir, भी थीटा कॉरेस्पोंडिंग कॉरेस्पोंडिंग एंगल। हां, तो पॉइंट बी पे जो स्लोप ड्रॉ कर रहा हूं मैं, जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उससे जो एंगल बन रहा है विद इनिशियल एक्सिस पोजीशन, ये इनिशियल एक्सिस है। इस एक्सिस का डिफ्लेक्शन हुआ है ऐसे, ठीक है। एक्सिस का डिफ्लेक्शन हुआ है और टेंजेंट ड्रॉ किया हमने बी पॉइंट पे। बी पॉइंट जहां पर था अभी भी वहीं पर है, बस उसका नाम दे दिया बी डैश। उससे जो टेंजेंट ड्रॉ करके जो इनिशियल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा, दैट इज स्लोप। तो इस पॉइंट बी से बी डैश पे स्लोप कितना है? थीटा। तो इसको मैं थीटा लिख रहा हूं क्योंकि इसको मैं इरेज करने वाला हूं सेकेंड वाले को, ठीक है। तो ये थीटा है और ये क्या है? वाई, वाई डायरेक्शन है। तो ये लीनियर डिफ्लेक्शन है, ये एक्स है और ये वाई है। तो वाई डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन है दैट इज वाई, ठीक है। और ये वाई क्या है? वाई मैक्स है। और कहीं ज्यादा हो रहा है क्या? सबसे ज्यादा कहां पर होगा? इस केस में इस लोडिंग कंडीशन में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो कहां पर हो रहा है? एंड पे हो रहा है, फ्री एंड पे हो रहा है, ठीक है। और स्लोप मैक्सिमम कहां मिल रहा है? वो भी फ्री एंड पे मिल रहा है। और कैंटिलीवर बीम में ऐसा ही होगा हमेशा, होगा या नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं मैं लिखने जा रहा हूं। सो यहाँ पे आप नोट करते जाइए, आप लोग ये ड्रॉ करते जाइए अपने नोट्स में। थीटा इज द स्लोप। नेक्स्ट क्लास से पहले आपका नोट्स तैयार हो जाना चाहिए। ये एंगुलर डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन, वाई इज लीनियर डिफ्लेक्शन।
मैं पूछूं थीटा ए कितना होगा, थीटा बी कितना होगा, वाई ए कितना होगा, वाई बी कितना होगा? थीटा ए का मतलब ए पर स्लोप कितना होगा, जीरो। थीटा बी, बी पर कितना होगा, थीटा मैक्स होगा। वो बाद में निकालेंगे कितना आएगा। थीटा बी पर कितना होगा, मैक्सिमम। ए पर लीनियर डिफ्लेक्शन कितना है, जीरो है, फिक्स पॉइंट है तो जीरो होगा यहाँ पे। फिक्स पॉइंट हो चाहे सपोर्ट हो, सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन तो हमेशा जीरो होगा, सपोर्ट पे लीनियर डिफ्लेक्शन हमेशा जीरो होगा, ठीक है। बट अभी हम देखेंगे, अभी नेक्स्ट जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें देखेंगे। वाई बी, बी कितना होगा, मैक्सिमम, वाई मैक्स। ये भी निकालेंगे हम लोग बाद में कितना आएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स कंक्लूड होके निकलती हैं, दोस पॉइंट्स आर, नोट कीजिए आप लोग, मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूं। इन कैंटिलीवर बीम, इन एनी लोडिंग कंडीशन, इन एनी लोडिंग कंडीशन क्या होगा पॉइंट, फ्री एंड, द फ्री एंड विल हैव, फ्री एंड पे क्या है, will have theta and y deviation, maximum angular or linear dono maximum honge, and at fixed end pe kya honge dono, zero, theta and y will be zero. ठीक है, नेक्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सोचिए आप लोग सिंपली सपोर्टेड बीम, ड्रॉ करो सिंपली सपोर्टेड बीम, अपने नोट्स में ड्रॉ करो और बताओ उसका थीटा एंड पे क्या होंगे और मैक्सिमम कहां पर होगा। तो लोड क्या लगा है, लोड सेंटर लोड लगा है, मिड पॉइंट पे, मिड स्पैन पे आपको अप्लाई करना है पॉइंट लोड, उसके बाद चेक कीजिए कि क्या होगा डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन और लीनियर डिफ्लेक्शन। दोनों पॉइंट क्या होते हैं, हिंज, पिन पॉइंट, एक हिंज और एक रोलर। रोलर की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग बस वर्टिकल लोड अप्लाई कर रहे हैं, रोलर का सिग्निफिकेंस तब है जब हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई करते हैं, इसके मिड पॉइंट पे पॉइंट लोड अप्लाई कर रहा हूं, W, डिफ्लेक्शन, ये एक्सिस, सिर्फ एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं मैं बीम की जगह पे, ठीक है। ये बताइए कैसे डिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसे होगा या गलत, ऐसे ही होगा, ऐसे होगा, गलत है सर, नहीं सर वहां से मतलब ऐसे ऐसे होगा, हाँ कौन सा पहला सही है दूसरा सही है, पहला फर्स्ट सही है ना,
सिंपली सपोर्टेड बीम में जो हिंज पॉइंट होता है, हिंज पॉइंट मोमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है सर, मोमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, तो मोमेंट वो अप्लाई होगा, मोमेंट अप्लाई हो रहा है उसी की वजह से वहां पे बेंडिंग दिखाई देगी, बेंडिंग रिएक्शन नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, तो कौन सा पहला सही है दूसरा? फर्स्ट सर। मतलब ऐसा होगा, मैं सिर्फ एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, जो डैश लाइन से दिखा रहा हूं वो आफ्टर लोडिंग है। ठीक है, अब आप लोग बताइए थीटा, तीन पॉइंट्स होंगे, ए बी और एक है सेंटर पॉइंट सी, तो थीटा आप लोग बताओगे, थीटा ए थीटा बी थीटा सी एंड वाई ए वाई बी वाई सी। थीटा ये क्या होगा? थीटा में इक्वल्स टू जीरो होगा, नॉन इक्वल्स टू जीरो होगा? नॉट इक्वल्स टू जीरो। देखिए जब लोड अप्लाई हो गया है उसके बाद ये बेंड होगा बीम, यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करोगे कुछ एंगल मिलेगा, मिलेगा यहाँ पे भी स्लोप आएगा, यहाँ पे भी कुछ एंगल मिलेगा। ठीक है, तो थीटा ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, थीटा बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो, बट वाई ए, वाई ए बताइए इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन लीनियर डिफ्लेक्शन हुआ है ट्रांसवर्स वाई डायरेक्शन में? इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन हुआ है लीनियर डिफ्लेक्शन, पोजीशन चेंज हुआ है क्या पॉइंट ए का? नहीं, नो सर, नहीं सर। वाई ए इक्वल्स टू जीरो, वैसे ही बी भी है, वाई बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब बताइए थीटा सी, थीटा सी क्या होगा? जीरो सर, जीरो होगा। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, टेंजेंट का एंगल क्या है इसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल एक्सिस और बाद में इस पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ स्लोप, उसके बीच में एंगल क्या है? जीरो। और वाई सी क्या होगा? वाई मैक्स। ये सेंटर पे अप्लाई हुआ है तो ये वाई मैक्स है। ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स लिखिएगा, नोट कीजिए, अभी मैं दो तीन और एग्जांपल दूंगा, आप लोग बताएंगे वाई मैक्स कहाँ होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इन सिंपली सपोर्टेड बीम, यस सर, इन सिंपली सपोर्टेड बीम द स्लोप विल बी जीरो तो कहां पे जीरो हो रहा है? लोडिंग कंडीशन या लोड अप्लाई हो रहा है पॉइंट सी। एक सेकंड, मैं इस ये जो पॉइंट्स हैं इस पहले मैं एक और ड्रॉ करता हूं सिंपली सपोर्टेड बीम में, उसके बाद आप लोग बताइएगा। मैंने पॉइंट लोड जो है यहां पर अप्लाई किया है, नॉट एट द सेंटर बट इसके क्लोजर है, लेफ्ट साइड लेफ्ट सपोर्ट के पास में पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, सी है डी और बीच में है सी। ठीक है, पहले तो ये बताओ थीटा ए और थीटा बी नॉट इक्वल टू जीरो होंगे? हाँ सर। कौन ज्यादा होगा, थीटा ए ज्यादा होगा या थीटा बी? थीटा ए, थीटा ए ज्यादा होगा, वहां पे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, वहां पे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ऐसे होगा कुछ? ठीक है, ऐसा ही होगा कुछ। यस सर। वाई मैक्स कहां पर होगा? सर डी लोड डी पॉइंट पर, वाई डी। देखने में मजा आएगा अभी आप लोगों को जब हम लोग आगे बढ़ेंगे,
पता चलेगा सी और डी के बीच में होगा वाई मैक्स। आपको लगता नहीं अगर मैं यहाँ पे लोड अप्लाई करता इंस्टेड ऑफ एट पॉइंट डी, अगर लोड मैं यहाँ पे कहीं ए के आसपास करता यहाँ पे, क्या ऐसे मुड़ता क्या ये? ऐसे नहीं मुड़ता ये, देखिए एक बार और बनाते हैं। अगर मैं लोड यहाँ पे अप्लाई करता डब्लू, ठीक है इतने बड़ा बीम है, इतना बड़ा बीम है, तो ये ऐसे मुड़ता, तो कहीं बीच में सेंटर से और लोड के बीच में कहीं वाई मैक्स मिलता। ये हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ये हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि वाई मैक्स कहाँ मिलेगा। ये यहाँ पे वाई मैक्स नहीं होगा जहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है। तो जो कंक्लूजन निकल रहा है जैसे हेमंत अभी बोल रहे थे तुम, वाई मैक्स कहाँ होगा, सॉरी थीटा जीरो कहाँ होगा जहाँ पे डब्लू अप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम जहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहां पे थीटा जीरो होगा, कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन ये है कि जहां पर वाई मैक्स होगा, जहां लीनियर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहां पे थीटा जीरो होगा, वो मैथमेटिकली भी प्रूफ होगा। ठीक है तो पॉइंट्स नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट है इन सिंपली सपोर्टेड बीम, स्लोप विल बी जीरो if linear deflection at that point is maximum. एंगुलर डिफ्लेक्शन और लीनियर डिफ्लेक्शन में डिफरेंस पता होना चाहिए। लीनियर डिफ्लेक्शन हमेशा वाई डायरेक्शन में चेक किया जाएगा और लीनियर डिफ्लेक्शन का ज्यादा सिग्निफिकेंस है। सेकंड पॉइंट इफ इफ द लोड इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट देन वाई मैक्स सेंटर, एंड क्या होगा वाई मैक्स कहाँ मिलेगा? सेंटर पे मिलेगा। Then then क्या लिखे हम लोग? Then maximum linear deflection will be at center. Center point of simply supported beam. Simply supported beam experience. Maximum linear deflection and zero angular deflection and zero angular deflection. जो भी कोई मैक्सिमम कर्व बनेगा वहां पे टेंजेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मैक्सिमम मिलता है तो वहां पे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स क्या करते हैं? जीरो करते हैं। वाई क्या है? लीनियर डिफ्लेक्शन। और डी वाई बाई डी एक्स क्या है? एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है वो हम लोग देखेंगे आगे। डी वाई बाई डी एक्स क्या है? वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स मतलब लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है लीनियर अपॉन लीनियर मतलब यूनिटलेस। यूनिटलेस क्या होगा? एंगल ही होगा। तो जब y को विद रिस्पेक्ट टू x चेक किया जा रहा है तो वो क्या है? स्लोप है। आपको पता होगा dy by dx क्या होता है? tan थीटा। अगर थीटा बहुत ही छोटा है तो tan थीटा को बराबर क्या लिख देंगे? थीटा। तो वो थीटा क्या है? एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक तो जब y मैक्सिमम होगा वहां पे क्या होगा? dy by dx जीरो। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है मैथ में। ठीक है yes, sir. अच्छा एक सिमेट्रिकल लोडिंग का मतलब क्या है?
सिमेट्रिकल लोडिंग का मतलब क्या है? सेंटर से डिस्टेंस पे सेंटर से दोनों तरफ देखे तो सेम डिस्टेंस पे लोड उतनी क्वांटिटी का मिलेगा। सेंटर से दोनों तरफ सेम सेम मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन में लोड अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर इस पे यूडीएल रखा हुआ है पूरे लेंथ पे, तो वो सिमेट्रिकल लोडिंग है। तो पूरे लेंथ पे यूडीएल रखा हुआ है तो ये सिमेट्रिकल लोडिंग है। सेंटर पे लाइन पर लेफ्ट साइड में भी वैसे ही लोड है, राइट साइड में भी वैसा ही लोड है, ठीक है। तो इस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम कहाँ होगा? सेंटर पे होगा, सेंटर पे, ठीक। पॉइंट नंबर थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ अनसिमेट्रिकल लोडिंग लोडिंग, ये सिंपली सपोर्टेड बीम की बात हो रही है, लोडिंग इस तरफ लोड ज्यादा पास में होगा सपोर्ट के उस तरफ y max होगा। नोट कीजिएगा इसको, y इज मैक्सिमम द रीजन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड मिड पॉइंट ऑफ द बीम। स्लोप कहां पर मैक्सिमम होगा? सर उस एंड के पास में जिस तरफ लोड क्लोजर है, जहां पे जो उस सपोर्ट पे होगा, उस सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पे होगा जहां पर जिसके पास में लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो थीटा इज मैक्सिमम एट सपोर्ट विच इज नियरर टू क्लोजर टू लोड लोड, ठीक है। इसका हमने ड्रॉ कर लिया था, एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। अटेंडेंस दीजिए आप लोग। कोई रोलर सपोर्ट नहीं देखेंगे क्योंकि हमें वर्टिकल लोड सिर्फ अप्लाई करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई नहीं करेंगे। अनसिमेट्रिकल लोडिंग मतलब सेंटर से सिमेट्रिकल नहीं है, तो एक लोड यहाँ पे अप्लाई किया हमने जैसे W, ये डिफ्लेक्शन होगा, पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, सेंटर पॉइंट इज C, कुछ ऐसा बनेगा। वाई मैक्स ये क्या है? वाई सी। यहाँ पे जो स्लोप आएगा टेंजेंट से
इसको मान लिया हम लोग थीटा, थीटा मैक्स, ठीक है, थीटा ए विल बी थीटा मैक्स, यहाँ पे थीटा बी आएगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ थीटा बी आएगा, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा मैक्स, ठीक है, वाई मैक्स इज ग्रेटर देन वाई सी एंड वाई मैक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन वाई डी, ठीक है, और कहां पर, अब कहां पर मिलेगा हमको, सी और डी पॉइंट के बीच में मिलेगा, सी और डी पॉइंट के बीच में मिलेगा, ठीक है, अब वाई सी और वाई डी में कौन ज्यादा ये नहीं पता, ठीक है, अटेंडेंस हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग, नेक्स्ट क्लास से पहले बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो आप लोग सीख के आएंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट नहीं, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन, ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।